हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। एक इंपॉर्टेंट खबर आप सभी लोगों के लिए, एसएससी एग्जाम कैलेंडर फाइनली आउट हो चुका है। आपको डेट्स पता चल गई हैं, एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020 और बाकी एग्जाम्स की भी जो भी एसएससी कंडक्ट कराता है। ठीक है, अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ 2019 एग्जामिनेशन में, काफ़ी लोग पूछ रहे थे सर टीयर टू कब कंडक्ट कराया जाएगा, काफ़ी टाइम हो गया टीयर वन हुए हुए और टीयर टू की अभी तक डेट नहीं आई, तो टीयर टू की डेट मिल गई है। जो भी चीज़ें मैं आपको सारी बताऊंगा, लेकिन एक थोड़ी सी बुरी खबर हमारे लिए ये है कि सीएचएसएल टाइपिंग की डेट हमें यहाँ पे नहीं मिली है और ना ही हमें सीजीएल 2018 टीयर टू की डेट्स मिली है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे कवर्ड हैं, तो एक एक करके देख लेते हैं कैलेंडर में क्या निकल के आया है। अच्छा, अगर हम बात करें जो आपके एग्जाम्स थे, जैसे सीएचएसएल टीयर टू टीयर वन एग्जाम 2019, वो एज इट इज आपके जो डेट्स दे रखी हैं उसी पे होगा, तो यहाँ पे वही मेंशन है, यहाँ पे कोई भी डिले की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, जो सीजीएल टीयर टू एग्जाम होना था 2019 का, वो एज इट इज उसी डेट पे होगा। ठीक है, टीयर थ्री की डेट भी लगभग वही है, तो सारी चीज़ें लगभग वही चल रही हैं जो अब तक ऑलरेडी डेट्स आ चुकी हैं। अगर हम बात करें सीएचएसएल टीयर टू की डेट मुझे मिल गई है, यहाँ पे टीयर टू आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 14 फरवरी को। और आगे बढ़ते हैं, अगर आप देखोगे जूनियर इंजीनियर का जो नोटिस निकलेगा 2020 एग्जामिनेशन का, वो निकलेगा 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से आप अप्लाई कर पाओगे, जल्दी निकलने वाला है। और जो उसका टीयर वन एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, वो कंडक्ट कराया जाएगा 22 मार्च से लेके, तो एग्जाम में काफ़ी टाइम है, तो जूनियर इंजीनियर की तैयारी के लिए यहाँ पर प्रॉपर टाइम मिल रहा है। उसके बाद एसएससी सीपो 2019 एग्जाम टीयर टू की डेट मिल चुकी है, ये 26 मार्च को कंडक्ट कराया जाएगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। इससे पहले आपका जो पीएचटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल इंड्योरेंस टेस्ट होना है वो हो जाएगा। और अगर हम बात करें, जनरली 2 महीने का गैप रहता है इनके बीच में, तो ये मार्च में डेट है, तो आपका जनवरी में आप एक्सपेक्ट करके चलो पीएचटी या पीईटी कंडक्ट कराया जाएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हो, जनवरी या दिसंबर में भी हो सकता है, तो दिसंबर के हिसाब से तैयारी करते हुए चलना, तो आपके पास यहाँ पे पीएचटी और पीईटी में भी टाइम मिल रहा है काफ़ी। अगर स्टेनो ग्रेड सी और ग्रेड डी एग्जामिनेशन की बात करें, इसका नोटिस निकलेगा आपका 10 अक्टूबर को और एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा 29 मार्च से, तो इसमें काफ़ी टाइम मिलेगा और नोटिस जल्दी ही निकलेगा, अक्टूबर पास ही है। सीएचएसएल 2020 टीयर वन एग्जामिनेशन, ये आपका इसका नोटिस निकलेगा 6 नवंबर को, 1 महीने के बाद लगभग। और जो इसका टीयर वन कंडक्ट कराया जाएगा वो अप्रैल में कराया जाएगा। जैसे कि हम पहले कहते हुए आ रहे हैं कि जो सीजीएल सीएचएसएल जो भी 2020 की एग्जामिनेशन है, चांसेस हैं कि अप्रैल से पहले ना हो, तो आपका अप्रैल में ये सीएचएसएल एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। और सीजीएल एग्जाम की बात करूँ मैं, 2020 का नोटिस आपका आएगा दिसंबर के अंदर, 21 दिसंबर से नोटिस आ जाएगा, तब से आप अप्लाई कर पाओगे। और जो इसका एग्ज़ाम है वो आपका मई में जाके होगा, मई एंड में और जून तक चलेगा, 7 से 8 दिन का यहाँ पे पीरियड लिया है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए, लेकिन आपका नोटिस जो आएगा वो 21 दिसंबर को आएगा, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। अगर हम बात करें अभी से लेके एग्ज़ाम तक के, तो 5 महीने तो ये हो गए हमारे पास, और अभी हमारे पास अक्टूबर पड़ा हुआ है, नवंबर पड़ा हुआ है, दिसंबर पड़ा हुआ है, पूरे 8 महीने हैं हमारे पास। और 8 महीने में एसएससी सीजीएल एग्जाम की पूरी तैयारी आप कर सकते हो, अगर आप सीरियस हो, रोज़ के 7 से 8 घंटे निकाल रहे हो तैयारी के लिए, 8 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर सकते हो और टॉप रैंक तक आप पहुँच सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभी से एफर्ट डालने पड़ेंगे। अगर अभी से आप पूरी तैयारी स्टार्ट कर देते हो अपनी, तो यहाँ पे आप फाइनल सिलेक्शन तक बहुत आराम से पहुँच सकते हो। ठीक, तो अगर आपके बेसिक भी अभी वीक हैं, अगर आप अभी से ज्वाइन करना चाहते हो, अपनी तैयारी अभी से करना चाहते हो, तो अभी से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। अगर हम बात करें एसएससी सीपीओ 2020 का नोटिस निकला था, टीयर वन की डेट ऊपर बताई दी थी, पहले ही आ चुकी है ऑलरेडी, टीयर टू की डेट भी आ गई है। टीयर टू आपका बहुत बाद में जाके होगा, ये आपका कंडक्ट कराया जाएगा 12 जून को। एमटीएस का नोटिफिकेशन ये निकलेगा आपका 2021 के अंदर, जो कि जून में निकलना था, एमटीएस काफ़ी लेट कर दिया यहाँ पे। एमटीएस का नोटिस आपका फरवरी में निकलेगा, 2 फरवरी को, और जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा वो जून में कराया जाएगा। अच्छा, कॉन्स्टेबल जीडी की बात करें, इसका नोटिस आ जाएगा आपका मार्च 2021 के अंदर और इसका एग्जाम आपका होगा जुलाई के अंदर। अच्छा, अगर हम बात करें जितने भी एग्जाम की डेट्स हैं आपकी, ये सितंबर से पहले हैं, और मैंने आपको कल ही वीडियो में बताया था जो आपका सीईटी कंडक्ट कराया जाएगा वो सितंबर 2021 के बाद कंडक्ट कराया जाएगा। इसका मतलब ये सारे एग्जाम क्या होंगे, जैसे अभी तक होते हुए आए हैं बिल्कुल वैसे ही होंगे, एसएससी ही टीयर वन सभी एग्जाम्स का कंडक्ट कराएगा, तो कोई टेंशन नहीं। हमें पैटर्न पता है, हमें पता है किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें वेंडर के बारे में पता है कि टीसीएस वेंडर है, उस हिसाब से आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। सीजीएल सीएचएसएल के एग्जाम्स होने वाले हैं, उनके पेपर्स भी आ जाएंगे हमारे पास, तो आप इन फ्यूचर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो हमें और अच्छा आइडिया लग जाएगा टीसीएस में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे ही ऑलरेडी बहुत ज़्यादा एग्जाम्स हो गए हैं, तो उनसे हमें काफ़ी आइडिया है कि एग्जाम किस तरह से कंडक्ट कराए जा रहे हैं। ठीक, अच्छा, अगर हम बात करें यहाँ पे सारे एग्जाम्स के बारे में, आपको डेट मिल गया, लेकिन यहाँ पे सीएचएसएल टाइपिंग की डेट नहीं आई, इसे देख के बहुत दुख हुआ कि सीएचएसएल की टाइपिंग की डेट मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद इस नोटिस के अंदर आ जाए, लेकिन वो डेट मेंशन नहीं है, ना ही यहाँ पे सीजीएल टीयर 4 2018 वाले एग्जाम की डेट मेंशन है, ना डीवी की डेट मेंशन है। तो इसके बारे में देखते हैं, जल्द से जल्द शायद एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ सीएचएसएल टाइपिंग के बारे में आए, वरना इसके लिए कुछ करेंगे अरेंज जल्द से जल्द। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट मेरा यही रहेगा,
कि सीएचएसएल टाइपिंग की डेट जल्द से जल्द आए, रिजल्ट आए हुए भी, टीयर टू का जो रिवाइज रिजल्ट आए हुए भी, एक महीना हो गया, टाइपिंग की डेट एसएससी को जल्द से जल्द देनी चाहिए, यहाँ पे डिले करने का कोई मतलब नहीं बनता। जूनियर इंजीनियर की भी अगर हम बात करें, उसकी भी डेट हमें जल्दी मिल गई थी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में अभी 10 दिन पहले 11 तारीख को रिजल्ट आया था, और आज डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी वहाँ पे उन्हें पता चल गया कि कब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जबकि सीएचएसएल का रिवाइज रिजल्ट आए हुए 1 साल हो गया, राइट, एक महीना हो गया है, और टीयर टू एग्जाम आपने दिया था उसे लगभग 1 साल हो चुका है, अब तक टाइपिंग के बारे में कुछ नहीं पता। तो सीएचएसएल प्रायोरिटी होनी चाहिए इस टाइम पे, सीएचएसएल की टाइपिंग की डेट्स। बाकी अगर हम बात करें, यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, यहाँ पे 60,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं, बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आपको, सारे अपडेट्स वहाँ पे मिल जाते हैं सबसे पहले, तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स मिलेगा। टाइपिंग के लिए आपको कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर के पेपर चैप्टर वाइज मिल जाएंगे, उनका सॉल्यूशंस भी मिल जाएगा आपको, वीडियो सॉल्यूशन, क्विज भी होती हैं डेली, फ्री क्विजेस होती हैं, उसका आप पार्ट लग सकते हो, अपनी तैयारी आपको पता चलता रहेगा किस लेवल पे चल रही है, ठीक। और अगर आप क्वांट की तैयारी कर रहे हो तो मेरे चैनल पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं क्वांट सेक्शन के, आप उन वीडियोज़ की हेल्प लेके काफ़ी कुछ सीख सकते हो क्वांट सेक्शन के लिए। सारे चैप्टर्स कवर नहीं है, कुछ चैप्टर्स मैंने करा रखे हैं पूरे पूरे, वो चैप्टर्स आप यहाँ से कवर कर सकते हो। बाकी अगर मैं आप लोगों को सलाह दूँ, आप अनअकैडमी से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो अगर आप करना चाहो तो, क्योंकि आपके एग्जाम में अभी 8 से 10 महीने बचे हुए हैं, सीजीएल एग्जाम में 8 महीने हैं, सीएचएसएल एग्जाम में 7 महीने हैं, इतने टाइम में अगर आप एक सही स्ट्रेटेजी के साथ तैयारी करोगे तो पूरी तैयारी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी प्लस के मेंबर्स हो तो मेरे रिकॉर्डेड वीडियोज़ मिल जाएंगे, पूरा कोर्स मिल जाएगा रिकॉर्डेड फॉर्म में, तो वो वीडियोज़ देख सकते हो। आप लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो, रोज 9 से 10:30 मेरी लाइव क्लासेस होती है, ठीक है, आप वो अटेंड कर सकते हो। अभी उसमें ट्रिग्नोमेट्रिकली स्टार्ट करा था, बाकी 5 तारीख से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है 5 अक्टूबर से, जिसमें हम बिल्कुल बेसिक लेवल से अर्थमेटिक स्टार्ट करेंगे, उसके बाद एडवांस मैथ स्टार्ट की जाएगी, तो वो वाला बैच आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से अपनी पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो। एसएससी सीजीएल 2020, सीएचएसएल 2020, एमटीएस 2020, एसएससी के किसी भी एग्जाम के अंदर अगर मैथ्स आ रहा है तो आपका इससे बाहर नहीं जाएगा, पूरी तैयारी वहाँ पे कवर कराई जाएगी, ठीक। एक एग्जाम क्रैकर्स बैच स्टार्ट हुआ था अभी अनअकैडमी पे, अभी एक आइकनो की बैच भी चल रहा है, उस बैच को भी ज्वाइन कर सकते हो। इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, पवन राव सर हैं, अभिनय सर हूँ, मैं हूँ, हम सब मिलके आपको यहाँ पे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ाएंगे। जिस एजुकेटर से आपको पढ़ना पसंद है आप उस एजुकेटर से पढ़ सकते हो, ठीक है, जिसकी क्लासेस आपको लेने में फायदा मिल रहा है आप उसकी क्लास अटेंड कर सकते हो, ठीक है। मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, जिसका पढ़ाने का तरीका आपके लिए बेस्ट है वो चूज करो और अपनी तैयारी करो। हर सब्जेक्ट के लिए आप एक से ज़्यादा एजुकेटर से पढ़ सकते हो, हर सब्जेक्ट के लिए रिकमेंडेड होता है कि आप 2 एजुकेटर ले लो, एक एजुकेटर से सारा कोर्स कर रहे हो वो करते रहो, कोई टॉपिक समझने में अगर दिक्कत आ रही है किसी पर्टिकुलर एजुकेटर से तो दूसरे एजुकेटर से आप पूरी तैयारी कर सकते हो। तो कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने यहाँ पे कोर्स ले लिया लेकिन क्या हुआ मेरी चीज़ें यहाँ पे कवर नहीं हो रही पूरी की पूरी, ठीक है, सर का पढ़ाया हुआ स्टार्टिंग में समझ आ रहा था बाद में समझ नहीं आ रहा, तो आप एजुकेटर चेंज करके वहाँ से अपनी पूरी तैयारी कर सकते हो। हर सब्जेक्ट के लिए अगर मैं बात करूँ आपको डेडिकेटेड टीचर्स मिल जाएंगे, क्वांट सेक्शन के लिए अलग टीचर्स हैं, इंग्लिश सेक्शन के लिए आपको अलग टीचर्स मिल जाएंगे, जीके के लिए बहुत सारे टीचर्स अलग से अवेलेबल हैं, ठीक है, सभी सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारे एजुकेटर्स अवेलेबल हैं, आप अपने लिए बेस्ट एजुकेटर चुनकर अपनी पूरी तैयारी वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। 100 से ज़्यादा एजुकेटर आपको एसएससी एग्जाम्स के लिए मिलेंगे, तो एक ही जगह सब कुछ अवेलेबल है, तो यहाँ से आप पूरी की पूरी तैयारी अपनी कर सकते हो, ठीक है। अगर आप अनअकैडमी प्लस से पूरी तैयारी करना चाहते हो, जो कि मैं रिकमेंड भी करता हूँ और मैं अनअकैडमी में पढ़ाता भी हूँ, तो आप एसएससी एग्जाम्स सेलेक्ट करके वहाँ से सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। 12 महीने वाला या 24 महीने वाला बेस्ट रहेगा एसएससी सीजीएल 2020 एग्जामिनेशन के लिए, जिससे कि सारी स्टेजेस आपकी कवर हो, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, ठीक है। मॉक टेस्ट भी अनअकैडमी के अवेलेबल होते हैं, मॉक टेस्ट भी आपको वहीं पर मिल जाएंगे, क्विजेस आपको वहीं पर मिल जाएंगी, क्लास पीडीएफ्स, रिकॉर्डेड सेशन सब कुछ अवेलेबल एक ही प्लान के अंदर हो जाएगा। बस आपको याद रखना है कोड, मेरा कोड है RB10, ये कोड यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा अनअकैडमी के सभी प्लान्स के ऊपर, तो आप वहाँ से पूरी तैयारी कर सकते हो। 12 महीने वाला 24 महीने वाला अगर सीजीएल 2020 सीएचएसएल 2020 की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी जैसे ही आप कोड अप्लाई करोगे आपको डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा होगा वो मिलेगा, अभी फिलहाल से 10% चल रहा है, तो जो कोर्सेज हैं आपको इस रेट में मिलेंगे, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे 24 महीने वाला आप लेते हो 270 रुपये पर महीने में आपको सभी एज इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज मिल रहे हैं, तो मेरे ख्याल से सही है ये। पहले तो काफ़ी ज़्यादा महंगे कोर्सेज होते थे, ऑफलाइन में भी 18,000-20,000 रुपये देने पड़ते थे, अब ऑनलाइन आ गया तो सारी चीज़ें सस्ती भी हो गई हैं, साथ के साथ सभी एजुकेटर्स एक ही जगह पे मिल रहे हैं, तो हमें आगे भटकने की जरूरत नहीं है, हमें कभी भी ये नहीं लगेगा नहीं उस एजुकेटर से पढ़ लेता हूँ, उस एजुकेटर से पढ़ लेता हूँ, एक ही जगह पे सब कुछ है, जिससे पढ़ना है जिसका समझ आता है वहाँ से पढ़ो, अपनी पूरी तैयारी कवर करो। बाकी स्पेशल क्लासेस भी होती हैं, बहुत सारी फ्री क्लासेस भी होती हैं, तो वो भी आप देख सकते हो। अब यूट्यूब पे भी मैं क्लासेस लेना स्टार्ट करूँगा अगले महीने से, मेरी कुछ क्लासेस आएंगी यूट्यूब पे भी, तो उसका भी आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी अगर एक सीक्वेंस में पूरी तैयारी करना चाहते हो तो अनअकैडमी से आप पूरी तैयारी यहाँ पे कर सकते हो। अच्छा, अगर हम आगे बढ़ें, जो कोड है RB10 ये आपका बैंकिंग एग्जाम्स के लिए भी एप्लीकेबल है, रेलवे एग्जाम्स के लिए भी, UPSC CSC एग्जाम के लिए भी, या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी अगर आप अकेडमी से करते हो RB10 कोड यूज करो डिस्काउंट लेने के लिए, ठीक है, जो भी डिस्काउंट चल रहा होगा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, ये मेरा कोड है, ठीक है, तो इससे मेरी प्रोफाइल अच्छी होगी तो मुझे काफ़ी अच्छा लगेगा अगर आप ये कोड यूज करोगे। बाकी अपडेट में यही था कि ये सारी की सारी चीज़ें हैं। आज के टाइम पर फ्री कोर्सेज भी बहुत सारे अवेलेबल हैं और पेड कोर्सेज तो हैं ही, तो आप
देखो कि आप तैयारी करना चाहते हो, अपना शेड्यूल बनाओ आज से ही और तैयारी में लग जाओ। जैसे मर्जी आप तैयारी करना चाहते हो वैसे तैयारी करो, ठीक है, लेकिन अपना शेड्यूल बनाओ और तैयारी करो। आज के टाइम पे ये बहाना नहीं है कि मेरे पास पैसे नहीं है तो मैं कोर्स नहीं ले सकता। कोर्सेज काफ़ी ज़्यादा सस्ते हैं, कोर्सेज नहीं भी लेना, बेसिक से खुद तैयारी करनी है। यूट्यूब पर भी बहुत कंटेंट अवेलेबल है, बस उसमें आपकी मेहनत लगेगी, शेड्यूल बनाने में आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अपनी तैयारी कर रहे हो अगले साल की तो बहुत अच्छे से करो, और कोशिश करो कि सीजीएल 2020 दे रहे हो या सीएचएसएल 2020 दे रहे हो, एक ही बार की में आपका सिलेक्शन हो। अच्छा, अगर एज की बात करें, जो एज देखी जाएगी वो आपकी 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी, सीजीएल 2020 के लिए भी और सीएचएसएल 2020 के लिए भी। 1 जनवरी 2021 से आपकी क्वालिफिकेशन भी देखी जाएगी, क्वालिफिकेशन भी आपकी 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी, और साथ ही साथ जो एज लिमिट होती है अपर एज लिमिट, वो भी आपकी 1 जनवरी 2021 से देखी जाएगी। तो यहाँ पे आपको कोई भी इशू नहीं होना चाहिए इससे रिलेटेड, ठीक है। इसी हिसाब से अपनी तैयारी करो, जो एज लिमिट अभी तक चलती भी आ रही है एसएससी शायद वही फॉलो करेगा अभी तक, ठीक है। बाकी हम देखते हैं, पूरी कोशिश कर रहे हैं रिफॉर्म्स आए, कुछ ना कुछ बदलाव मिले और जो लोग रह रहे हैं उन्हें भी मौका मिले एक बार एग्जाम देने का। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, आपसे यहीं विदा ले रहा हूँ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।